काली पूजा के अवसर पर भागलपुर जिले में विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। पूरे जिले में लगभग 187 काली प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जिनमें से 84 प्रतिमाएं शोभा यात्रा का हिस्सा बनती है। दरअसल भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा हर साल बेहद भव्य होती है, जिसकी तुलना मुंगेर की दुर्गा शोभा यात्रा और मुंबई की गणेश विसर्जन यात्रा से की जाती है। इस बार इसाक्षक काली मंदिर में दक्षिणेश्वर काली का पंडाल सजाया गया है और बहावलपुर में बिहार की सबसे बड़ी काली प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई, जहां खासकर महिलाएं खोइचा चढ़ाने की रस्म निभाने में उत्साह दिखा रही थी। बता दें कि जिले में कई मंदिरों में बलि प्रथा का प्रचलन भी है, जिसके कारण बलि देने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। वहीं समूचे भागलपुर में 150 से अधिक जगहों पर काली पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है और स्थानीय पूजा समितियों द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया है। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन और छठ महापर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस लाइन से एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में सिटी SP डॉक्टर के रामदास, SDM धनंजय कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह समेत जिले के पुलिस बल और रैफ की टुकड़ी शामिल थी। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करता हुआ गुजरा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि काली पूजा विसर्जन और अन्य आगामी त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। इस दौरान पुलिस द्वारा सभी प्रमुख मार्गों और पूजा स्थलों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। भागलपुर जिले में 3 प्रमुख काली स्थानों की विसर्जन शोभा यात्रा की अनुमति हेतु केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह और अन्य गणमान्य लोग वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मुलाकात की। दरअसल बीते 3 वर्षों से कटहलवाड़ी और जवारीपुर में विवाद के चलते यहां की विसर्जन शोभा यात्रा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार जोगसर थाना क्षेत्र में बमकाली मंदिर से भी समस्या उत्पन्न हुई थी। अब 2 वर्ष पूरा होने के बाद महासमिति ने वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि इस वर्ष शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए। इस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि भागलपुर पुलिस शांतिपूर्ण और सुरक्षित काली पूजा आयोजन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हम लोग SSP साहब से मिलने आए थे, 3 स्थान का प्रॉब्लम था, एक कटहलवाड़ी, एक जवारीपुर। तो पिछले 2 वर्षों से विसर्जन शोभा यात्रा में आने का लाइसेंस नहीं है। कुछ आपस में जो झंझट हुआ था उसी के लिए 2 साल से इन लोगों को निष्कासित किया गया। 2 साल पूर गया है, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे SP साहब से कि दोनों स्थान को आप लाइसेंस दें, विसर्जन शोभा यात्रा में आने की अनुमति दें। तीसरा था बली खंजलपुर झोपड़पट्टी, वहाँ 2 साल पहले आदमपुर थाने एरिया में, जोगसर थाने एरिया में बम काली वगैरह से झंझट हो गया था। उसका व्यायामशाला वगैरह आदमपुर थाने में रखा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे। उसका भी वहाँ के जो लड़के थे सब लोगों ने बेल करा लिया है, अब उसका व्यायामशाला है, गरीब आदमी का ठेला है, उसको दे दिया जाए। क्या संभावना मिली? सर ने कहा कि हम देख लेते हैं, अपने SHO से बात करते हैं। देखिए, काली पूजा की जो महासमिति है उनके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री लोग अभी मिलने आए थे और पूरे जो कितनी पूजा समितियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और जो उसके रूट्स है उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई और कहाँ पे बल वगैरह की तैनाती की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पे कुछ इश्यू हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई और हम लोग काली पूजा विसर्जन और काली पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और भागलपुर पुलिस के द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गई। 2 तारीख के शाम को से प्रारंभ होगा और 3 तारीख की संध्या तक विसर्जन के समाप्त होने की संभावना। भागलपुर में केंद्रीय काली पूजा महासमिति 2 गुटों में बट गई है और दोनों गुटों के अध्यक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महासमिति के एक गुट के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने हाल ही में प्रेस वार्ता में दूसरे गुट के पदाधिकारियों पर किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। इसके जवाब में दूसरे गुट के अध्यक्ष विश्वेश आर्या ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनके गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके लिए अभिभावक समान हैं और सार्वजनिक रूप से इस तरह के
प्रारूप सही नहीं है। दरअसल भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा बहुत ही भव्य होता है, जिसमें स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब देखना होगा कि इन मतभेदों के बावजूद काली पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी कौन सा गुट निभाता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पिछली बार जिस तरह हम लोग काली पूजा समारोह विसर्जन का जो यात्रा था वो बहुत ही सुखद और बेहतर रहा था। करीब करीब पिछले तमाम कई सालों से जो हालात थे उससे 10 घंटा पहले विसर्जन हुआ और 10 घंटा पहले शहर को बिजली मिली और बिना FIR का ऐसा हुआ जो कई सालों बाद ये मंजर पूरे भागलपुर के लोगों ने देखा था। हम फिर इस बार भागलपुर के तमाम जो माँ के भक्त हैं उनसे निवेदन करते हैं, आप फिर आए और आके माँ की सेवा में लगे और इस माहौल को जो भागलपुर के खुशनुमा माहौल है उस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए हम सब बाहर निकलकर इस कार्यक्रम को और सुखद बनाएं। देखिए पहले तो कोई दो गुट यहाँ नहीं है, जब माँ की मूर्तियाँ यहाँ पे 88 है तो दो गुट की आवश्यकता क्या है। हम लोग पिछले बार से इस बात को लेकर आए, सब एक साथ काम कर रहे थे लेकिन लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती इस प्रक्रिया को हटकर छोड़कर कुछ खास लोग सामंती नीति के देखते हुए हर बार एक ही को लेकर आना फिर अध्यक्ष बना देना और इस कार्यक्रम को लगातार करते जाना किन्हीं की बात नहीं मानना, इन विचार को लेकर समाज के लोग काफी दुखी थे और मेरे पति के द्वारा ही लगातार ये बातें आई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरे पक्ष हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कल, ये बड़ा दुखद है। शहर बिल्कुल अमन चैन के साथ है, सब मिलजुल कर करता है, प्रशासन लगातार हम लोग के साथ में है, उनका सहयोग मिलता रहा है। फिर इस तरह की बातें आना कि स्टेशन चौक पे कोई दुखद परिणाम आएगा या पिछले दिनों आया था, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें तो हम लोग को आशीर्वाद और आशीष देना चाहिए कि पिछली बार उन लोग के साथ रहकर, वो जबकि हमारे साथ नहीं थे फिर भी उनका सहयोग, चूंकि हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग लेकर हम लोगों ने 10 घंटा पहले विसर्जन का कार्यक्रम किया और इस तरह की दुखद बात कहना इस शहर को कहीं कहीं गलत रास्ता दिया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार ओझा, राष्ट्रीय सचिव युवा जदयू। आप सभी शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी शहरवासी आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ यह पर्व को मनाएंगे। धन्यवाद। भागलपुर में दीपावली के अवसर पर पटाखों से होने वाले संभावित हादसों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि दीपावली पर पटाखे छोड़ते समय बच्चों के साथ अभिभावक का होना आवश्यक है, क्योंकि कई पटाखे तुरंत आवाज कर जाते हैं जिससे बच्चों के घायल होने का खतरा रहता है। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पटाखे फोड़ते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही। इसके अलावा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार और तुरंत इलाज के उपाय भी साझा किए। डॉक्टर अजय सिंह ने भागलपुर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी, साथ ही उन्होंने सभी से पर्व को सुरक्षित और खुशहाल तरीके से मनाने की अपील की। दीपावली खुशियों का त्यौहार है लेकिन कभी कभी मातम छा जाता है यदि आप सावधान नहीं रहे। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से आपको कुछ सावधानियां हम लोग बता रहे हैं। हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चे शैतान होते हैं, नटखट होते हैं। आपका कंट्रोल हमेशा उस पर रहना चाहिए, खास करके पटाखे छोड़ने के वक्त, नहीं तो कभी भी हाथ जल सकता है, आँख पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें आप उसके साथ ही पटाखा फोड़े। जब भी आप पटाखा फोड़े तेज आवाज वाली पटाखा नहीं फोड़े, उससे कान का पर्दा जो नाजुक रहता है वो फट सकता है और प्रॉब्लम हियरिंग का परमानेंट लॉस भी कभी कभी हो सकता है। इसीलिए दूसरी तरफ कोई बड़े स्टिक में मोमबत्ती वगैरह लेके उसको दूर से फोड़े ताकि डायरेक्ट कभी भी जले नहीं। और कई बार देखते हैं कि फुलझड़ियाँ छोड़ते समय बच्चे कहीं से कहीं घुमा देते हैं तो बगल में जो बच्चा रहता है उसके आँख में पड़ जाता है, शरीर में पड़ जाता है। तो उस सारी सावधानियों को रखें। अनार छोड़ने में विशेष सावधानी का रखें, क्योंकि ऊपर से हम लोग आग लगाते हैं और अनार का जो फव्वारा निकलता है, उसका जो फुलझड़ी निकलता है ऊपर की ओर और वो आँख पर सीधा सीधा प्रभाव डाल देता है, उसका जो कॉर्निया है वो जल सकता है, इस बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसीलिए आप सबों से निवेदन है कि उल्लासपूर्वक मनाएं, खूब जमकर मनाएं, लेकिन सावधानी भी जमकर रखें।
भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। दीपावली के अगले दिन अपने विशेष सैलून से रेलवे अधिकारियों के साथ पहुंचे डीआरएम गुप्ता ने फेज वन का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और आगामी छठ पूजा के दौरान स्टेशन पर महिलाओं की अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अमृत भारत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। फेज वन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही फेज टू का कार्य आरम्भ किया जाएगा। वहीं छठ के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में 9B स्पेशल रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इस पर डीआरएम ने आश्वासन दिया कि फेज टू के कार्य के बाद इस पर विचार किया जाएगा और ग्रामीणों को रेलवे के कार्यों में सहयोग करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान स्टेशन मास्टर गिरीश प्रसाद सिंह और रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें दो ट्रक आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान खिरीबांध गांव निवासी मोहम्मद हाफिज मोइज के पुत्र एहसान के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक DSP मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हुआ था, गाड़ी लेकर के जा रहा था, वो उधर से कैसे आया, नींद में आया, क्या था पता नहीं। आगे देखिए, मेरा गाड़ी अपना बाया बचाने के लिए पूरा भागा हुआ है, मगर वो आके जबरदस्ती मार दिया जीरो मेल पुल पर। पता नहीं कहाँ का था, क्या था, हम भी गाड़ी में सोए हुए थे। हमारा नींद खुलते खुलते हमारा भाई जो है, मेरा भाई हमरे से जुदा हो गया था। हम मेरा नाम भाई का नाम था मोहम्मद एहसान। हम भी गाड़िये में थे,